नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन डिग्री में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि आप किस तरीके से किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको पूछा गया होता है कि आपने 20% निकालना है किसी नंबर का या 50% निकालना है, तो आप किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में परसेंटेज के बेसिक्स में बात हुई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां से वीडियो को देखिए, आपको हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज निकालने के दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले और दो सबसे ज्यादा आप इजी कह लीजिए उन मेथड्स को दिखाऊंगा। लास्ट में एक मेथड होगा जिससे आप फास्ट परसेंटेज भी निकाल पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर मैंने यहाँ लिया है 20% ऑफ 30, आपने 20% निकालना है 30 का। तो जो पहला मेथड हम लोग यूज करेंगे वो होगा फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म क्या है? सिंपली आपने अपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलना है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, आप वीडियो देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इजी है, काफी इजी है। आपने सिर्फ 20/100 करना है, 20/100 आपने लिख देना है, तो ये आपकी 20% की फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। ऑफ का मतलब, हमारी जो मैथ टर्म में ऑफ का मतलब होता है गुणा। अगर आपको कहीं भी ऑफ दिखे मैथ में तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो हम ऑफ की जगह लिख देंगे गुणा का साइन और 30 को एज इट इज लिख देंगे। अब 30 को भी फ्रैक्शन फॉर्म में आप बदल सकते हैं। 30 को फ्रैक्शन फॉर्म में बदलने के लिए आपको 30/1 लिखेंगे तो वो 30 का फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा, मतलब सेम ही रहता है, 30 का 30 ही रहता है। अब आप चाहे तो इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों नंबर है ऊपर और नीचे के, उनको आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो मैंने 20 × 30 किया तो मेरा 600 आ गया, और मैं 100 को 1 से गुणा करूंगा तो मेरा 100 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गई और आपका आंसर आ गया 6। या आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना और आपको, अगर जब हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया था वहां भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ऊपर ही हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो 2 0 है वो एक 20 के 0 से और एक 30 के 0 से कट रही है, तो आप यहाँ भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपने किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर भी आप दो तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए या पहले कैंसिलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आएगा सेम। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड क्या है? हमने इस मेथड में अपना, हमारे जो प्रतिशत का नंबर है उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने उसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप किस तरीके से इजिली परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम वे हम यहाँ भी यूज करेंगे। परसेंटेज को अगर डेसिमल में चेंज करना है तो हम 100 से भाग करते हैं। जैसे हमारा फ्रैक्शन फॉर्म था 20/100, तो हम उससे भाग करते हैं। जब भाग करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो डेसिमल का जो वैल्यू होगा वो 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट मूव हो जाएगा, तो हम 20 के आगे डेसिमल लगा देंगे और ऑफ मल्टीप्लाई और 30 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0 की चिंता छोड़ देना, आपकी जो बाकी दो नंबर है आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 को 3 से गुणा किया, हमारा 6 आया। अब हमारे जितनी नंबर ऑफ 0 है, हमारी 2 0 थी ऊपर तो हमने 2 0 साथ में लगा दिया। अब डेसिमल का क्या करना है, डेसिमल आपका हो जाएगा 2 प्लेसेस, बिकॉज हमारे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है। जैसे हम सिंपल गुणा में करते हैं, जितने आपके प्लेसेस जो होते हैं डेसिमल की, उतने नंबर के आगे आप डेसिमल को लगा देते, तो यहाँ पे हमने 2 0 के आगे डेसिमल को लगा दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, काफी फास्ट मेथड है। आप सिंपल डेसिमल में चेंज कीजिए और फिर सीधा गुणा कर दीजिए। अब एक और चीज सीख लेते हैं, व्हाट इफ द परसेंटेज इज मोर देन 100। अगर आपका जो परसेंटेज आपने निकालना है, अगर आपने 100 से ज्यादा परसेंटेज निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। मेथड सेम है, बिल्कुल सेम है, जैसे हमने पहले किया था वैसे इसको करेंगे। अगर हमने 120% निकाला 30 का, तो 120 को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 120/100 ऑफ का गुणा का साइन, और 30 को आपने ऐसे लिख देना, 30 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 30/1 हो जाएगा। अब आप या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या कैंसिलेशन कर लीजिए, मैं पहले मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो 12 को 3 से गुणा करो तो 36 हो गया, और 2 0 लगे 3600, 100 को 1 से गुणा किया 100। अब आप जो आपका कटता है वो आप काट दीजिए, यहाँ पर मेरे 2 0 कटे तो मैंने 2 0 काटे, तो मेरा आंसर आ गया 36। अगर आपने पहले ही कैंसिलेशन करना है फ्रैक्शन में बदलने के बाद, तो वहां भी कर सकते हैं। तो मैंने वहां से 1 0 से 1 0 कट गई, 2 दूसरे से दूसरी कट गई, तो 36 मेरा यहाँ भी आंसर आ गया। अब हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसिमल फॉर्म का आप किसी परसेंट को करेंगे तो मेथड वही रहेगा, आपने 2 प्लेसेस लेफ्ट में मूव करके डेसिमल को लगा देना है। तो मैंने यहाँ 1 और 2 के बीच में डेसिमल को लगाया, गुणा का साइन दिया और 30 कर दिया। अब सेम है, डेसिमल को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए। अब 12 और 3 को गुणा कीजिए, 36 आया। नंबर ऑफ 0 आपके कितने? 2, दोनों 0 को लगा दी,
अब फाइनली आपका टू डेसिमल प्लेसेस है, तो हम दो जीरो से पहले डेसिमल को लगा देंगे। तो सेम ही मेथड है, चाहे 100 से कम हो चाहे 100 से ज्यादा हो। अब हम लोग बात करेंगे आप किस तरीके से विद इन अ सेकेंड आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। फास्ट मेथड है, मैंने 9 क्वेश्चन लिए, पहले दो मैं आराम से बताऊंगा, फिर हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहला नंबर मेरा यहाँ पर है 24% ऑफ 20। इस मेथड को करने के लिए हम लोग डेसिमल का यूज करेंगे, हम लोग पहले परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान होता है, मेरे लिए सबसे आसान ट्रिक है किसी भी परसेंटेज को निकालने की हर एक ट्रिक में से, तो मैं आपको ये आज दिखा देता हूँ। तो 24% को अगर मुझे डेसिमल में चेंज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 24 को, जैसे हमने पहले सीखा मुझे डेसिमल दो प्लेस पहले लगानी पड़ेगी, दो प्लेस मूव करनी पड़ेगी लेफ्ट की तरफ, तो मेरा डेसिमल 24 हो गया। अब मैं सिंपली इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप जीरो को छोड़ दीजिए, 24 टाइम्स 2, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48। उसके बाद आपकी जितनी भी नंबर ऑफ जीरो है आपके इक्वेशन में, जैसे मेरी एक ही जीरो यहाँ पर है 20 के साथ, तो मैं इस जीरो को 48 के साथ लिख दूंगा। अब आप डेसिमल पॉइंट्स को गिनेंगे, आपके कितने डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पर, तो मेरे 24 में 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपने अपने डेसिमल प्लेसेस गिनने हैं। और जैसे मैंने पहले सिखाया था, आप उतने डेसिमल से उतने नंबर से पहले अपना डेसिमल लगा देंगे। तो मेरे यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो मैंने 4 और 8 के बीच में डेसिमल लगा दिया। देखिए बहुत इजी ट्रिक है, आप किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ दो प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करनी होती है और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80 का देख लेते हैं, 80 का हमारा हो जाएगा डेसिमल 80 टाइम्स 3, 8 या 24 हो गया आपका, जीरो की जीरो लग गई, और 2 डेसिमल प्लेसेस में हमने शिफ्ट करना है, तो हम 2 और 4 के बीच में डेसिमल लगा देंगे। देखिए फटाफट से हो गया। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये तो हमारे हो गए जहाँ एंड हमारा जीरो में हो रहा था। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है उसमें ना तो जीरो है ना 5 है, तो हम इसको कैसे करेंगे। सेम मेथड है, आप डेसिमल पहले लगाइए, उसके बाद आप या तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं, पर उससे आसान मेथड होता है आप सीधा इसको गुणा कर दीजिए, जैसे हमने ट्रेडिशनली स्कूल में सीखा है, जैसे हमें स्कूल में सिखाया गया है। आप दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा की भी ट्रिक मैंने बता रखी है, आप वीडियो में जाइए देखिए, और आप सिंपली इसको गुणा भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, दो नंबर का गुणा तो और भी आसान होता है। दोनों नंबर का हमने गुणा किया और एड और फाइनली उसको एड कर दिया। एड करने पर जो हमारा आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 2532, तो मेरे फाइनल आंसर में मैंने बस डेसिमल लगानी है, डेसिमल के मेरे दो प्लेसेस थे तो मैंने दो प्लेस से पहले डेसिमल लगा दी, तो डेसिमल आ जाएगी 25.32। तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर को कर सकते हैं। अगर आपको 0 या 5 की हेल्प नहीं है, जो उससे जल्दी हो जाता है, आप सिंपली नॉर्मल गुणा कीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बड़े वाले क्वेश्चन देखते हैं, 150 के लिए डेसिमल मेरा 2 प्लेसेस में आएगा, 1 और 5 के बीच में, 15 और 3 को मल्टीप्लाई करो 45 आ गया, दो दो की 2 जीरो लगा दूंगा, और डेसिमल प्लेसेस क्योंकि हमारे 2 है तो 45 के बाद मेरा डेसिमल आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला भी है, 110 है, 110 में 1.10 हो जाएगा, और उसको 200 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस बार आपकी जो नंबर ऑफ जीरो है वो ध्यान रखना 3 है, तो आपने 3 जीरो लेनी है और 2 जीरो के आगे अपना डेसिमल लगा देंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करेंगे, 1300% का डेसिमल वैल्यू हो जाएगी 13, 13 को 6 से गुणा करेंगे हो गया 78, 2 जीरो लगा दिए, डेसिमल प्लेसेस 2 है तो 2 जीरो के आगे यहाँ भी हमारी डेसिमल लग गई। तो ये तो क्वेश्चन हो गए जहां पर हमारे नॉर्मल परसेंटेज थे 100 से कम और 100 से ज्यादा। अब अगर आपने किसी फ्रैक्शन का निकालना है या डेसिमल का परसेंटेज, डेसिमल में परसेंटेज निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है डेसिमल 2% ऑफ 10, तो डेसिमल 2% में आपने 2 जीरो को, डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है, पर 2 के आगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो ऐड कर सकते हैं, 2 जीरो ऐड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 1 इज 2, और 1 जीरो के 1 जीरो लग गई, हो गया 20। अब डेसिमल प्लेसेस कितनी हमारे यहाँ पर 3 है, हमारा आंसर कितना 2, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 जीरो की हेल्प लेकर डेसिमल को उस ये 0 के आगे निकाल देंगे। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, आपको मालूम ही होगा, अगर आपने डेसिमल मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप 0 को ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम होगा, 15 के आगे 2 जीरो लगा देंगे और उसके आगे डेसिमल, और उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चौके 60 हो गया, और 1 जीरो यहाँ भी आ गई। डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे, 4 है, तो हमारे 3 नंबर थे, तो हमने 1 जीरो की हेल्प और ले ली और डेसिमल उसके आगे लगा दिया। फाइनल एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस बार हमारे जो डेसिमल है वो 3 पॉइंट के आगे, पहले से हमारा 3 हमारे प्लेसेस है डेसिमल के, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 पॉइंट और लेने पड़ेंगे, तो हम 2 जीरो की और मदद ले लेते हैं, तो हमारे अब जो टोटल डेसिमल प्लेसेस हो गए वो हो गए 5। अब 1 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100, आपके क्योंकि 5 डेसिमल प्लेसेस है, तो इस बार आपने डेसिमल लगाना है
पांच नंबर्स के आगे, तो दो जीरो की और हेल्प लेनी पड़ेगी और फिर आप अपना डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप डेसिमल फॉर्म का यूज करते हैं अपने परसेंटेज के लिए, तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा आसान ट्रिक है। आप किसी को भी निकाल सकते हैं। अगर आपने आपको फ्रैक्शन परसेंटेज निकालना है किसी भी नंबर का, तो आप उस फ्रैक्शन को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमेशा आप सिर्फ दो स्टेप में कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत आसान ट्रिक है, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर दबाइए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास झट से झट पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।